ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा और ये हो जाएगा न वो हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। ठेंगा वहीं पर पड़े रहते हो, गोबर बन के बस वहीं पड़े हो, जहां पर छोड़ दिया गया वहीं पर मिलते हो। हकीकत बताऊं, अगर जेई नीट जैसे एग्जाम तुम्हें क्रैक करने हैं, सच में करने हैं, और क्रैक करने से मेरा मतलब है टॉप 3000 में आना, टॉप 3000 की बोल रहा हूं मैं तो, ढंग की रैंक होती है जो आप टॉप 3000 में आ रहे हो, अगर टॉप 3000 की रैंक में आना है ना, अगर अगर आना है तो रोज के 250 प्लस क्वेश्चन करना चालू कर दो। कोई सी भी टेक्निक, ना पोमोडोरो, ना फलाना, ना दिमाका, कोई यूट्यूब के बाबा भैया दीदी कोई काम नहीं आएंगे, भाई बहन स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आएगा, भाई कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आएगा जब तक ये चीज नहीं होगी। एग्जाम में क्या पूछा जाता है जेईई नीट में? सवाल। तो घर पर क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? सवाल। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। कोई भी खिलाड़ी क्या सिर्फ वीडियोस देखकर एक्चुअल मैच जीत सकता है क्या? भूल जाओ। सामने वाला जो प्रैक्टिस करके आया होगा वो ऐसी धोबी पछाड़ देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। ये हार्ड थिंग है। क्यों इसमें रिजेक्शन मिलता है? बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे। तो अभी लेवल ही कितना है, इज्जती कितनी है तुम्हारी जो बेइज्जती से डरते हो। दूसरा चैलेंज ये है, हर हफ्ते पर वीक, रोज नहीं, हर हफ्ते, तो 2 वीक तक तुमको 250 प्लस क्वेश्चन करने, 15 दिन में 500 क्वेश्चन का चैलेंज दे रहा हूं।